हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा माता जी कैसे आप बस कृष्ण तो बस है सब ठीक चल रहा है लेकिन माता जी आप इतने उदास क्यों लग रहे हो क्या बात है माता जी आपने ठीक पहचाना न जाने हमारे बुजुर्गों लोगों को क्या हुआ है किसी को हमारी बात सुननी नहीं है हाँ माता जी मैंने भी अपनी माँ और दादी को कहा कि सत्संग में आओ लेकिन वो हमारी बात सुनते ही नहीं है हाँ ना माता जी मैंने भी अपने मम्मी नानी दादी को बुलाया लेकिन वो आते ही कहा बल्कि मुझे ही बोलते पागल हो गए क्या इतनी छोटी सी उम्र में ये सब करने लगी है मैंने उनसे पूछा कि अगर मेरी उम्र छोटी है तो आपकी तो बड़ी है आप तो आ जाओ हाँ माता जी आपने ठीक कहा लेकिन माता जी आज मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है ये देखिए माता जी सारे बच्चे कैसे भगवद गीता पढ़ रहे हैं हाँ देखिए ना माता जी बच्चे जल्दी सीख जाते हैं मेरा नाम तन्मय मुस्कान पांडा है मैं जगन्नाथपुरी से हूँ मेरा आपसे एक सवाल है आपके कितने पिता होते हैं अरे अरे गुस्सा मत होइए एक ही पिता होंगे हम सबके तो एक ही पिता होता है श्री कृष्ण एक दिन मेरे घर में एक प्रभु जी आए मैंने उनसे पूछा प्रभु जी हम सबके कितने पिता होते हैं तो प्रभु जी ने मुझे पता है क्या बोला उन्होंने मुझे बोला कि भगवान श्री कृष्ण ने ही खुद बोला है कि अहम बीजा प्रदा पिता मतलब मैं ही हूँ आपका सीड गिविंग फादर और मैं ही आपका प्रथम पिता हूँ तो नंबर 14.4 में भगवत गीता के सर्वयोनिषु कौन्तेया मूर्तया संभवन्तिया तासां ब्रह्म महत्योनि अहम बीजा प्रजापिता भगवान ने तो खुद ही बोला है कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और मैं ही तुम्हारा सीड गिविंग फादर हूँ तो इसमें डाउट करने वाली क्या बात है Then my grandmother said, "Why you sad, beta? What happened?" Then I said, "And I got everything, but I'm still very sad." Then my grandmother said, "In Bhagavad Gita, as it is written, yad karushi yad asnasi yad jivashi dadasi yad tapasyasi kaunteya tat kurushyam adarpanam." Translation: Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, or whatever austerities you perform, do that. O son of Kunti, as an offering to me. Friends, if you want, you can also be like me, a Krishna consciousness. If you be like this, then God will be mercy on you and you will also be happy, friends. Bye. Hare Krishna. Hare Krishna. Ek din, mere mitra माया टीचर के पास गए और पूछने लगे बरगद का इतना छोटा सा बीज होता है और इतना बड़ा पेड़ कहाँ छुपा होता है मुझे दिखाई क्यों नहीं देता जल्दी से बताओ टीचर कुछ भी आंसर नहीं दिया माया शाउट करने लगी टीचर यू आल्सो डोंट नो आई एम गोइंग तब मैं अपने माता के पास आए और सारे बात बताई कि टीचर ने माया को आंसर क्यों नहीं दिया यू नो मेरी माता क्या कहा तद विद्धि प्रणिपातेना पुरी प्रश्नेन शेभया उपदेक्षन्ति ते ज्ञाना ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं हमें गुरु के पास विनम्र चित्त से जाना चाहिए गुरु को प्रणाम करना चाहिए उसकी सेवा करना चाहिए और विनीत भाव
प्रश्न पूछना चाहिए। क्या आप लोगों को समझ में आई कि अपने अपने गुरु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, एवरी डे वन बर्ड यूज टू कम एंड सिट इन आवर विंडो। आई लव दैट बर्ड। आई यूज टू इवन गिव ग्रेन्स टू दैट बर्ड। बट वन डे आई सॉ द बर्ड लाइंग डेड। आई वॉज वेरी सैड। आई डिडंट इवन फील टू ईट। आई वॉज क्राइंग एंड माई मदर केम एंड टोल्ड मी अ श्लोका फ्रॉम भगवद गीता। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तेर धीरस्तत्र न मुह्यति। This means our body changes from boy to young to old man. This is like my grandfather. This is the photo when he was small, and this is the photo when he was young, and this is the photo when he is old. Here my grandfather's body has changed, but the soul remains same. At the time of death, the soul goes to another body. Means the soul never dies. Like the soul in the bird has gone to another body. So don't worry when someone dies. But how is it possible? How can we be peaceful when someone dies? Lord Krishna says it is possible if you chant my holy names. कभी मुझे पढ़ने का मन हो जाता है, कभी कभी मुझे खेलने का मन हो जाता है, और कभी कभी मुझे टीवी देखने का मन हो जाता है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? आप बताओगे कि मैं बताऊंगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल और बलवान है। वह कभी एक काम में नहीं टिकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, चंचला ही मना कृष्णा प्रमाति बलवद्रणम तस्याग्रमन्ने वायोरेम सुदुष्करम। क्या आप वायु की गति को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते। उतना ही कठिन काम होता है मन को कंट्रोल करने में। पर नहीं, आप मन को कंट्रोल कर सकते हो। बताओ कैसे? मैं बताता हूँ। आप हरिनाम जप करके भगवद गीता पढ़ के मन को कंट्रोल कर सकते हो। हे कृष्णा, my mother always sets me to do Krishna Bhakti. Every time she repeats the same thing. So one day I went to her and asked her, why should I do Krishna Bhakti? What will I get from it? And my mother said, Krishna says in Bhagavad Gita, Neha Bikramanasho Asti Pratyavayo Na Vidyate Swalpam Abhi Asya Dharmasya Trayate Mheto Bayat. So Krishna says, if we do little Krishna Bhakti also, we will be protected from great danger. अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ही बताओ मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या मैं करूं, क्या ना करूं। आप ही बताओ मुझे मैं क्या करूं, मैं किसके पास जाऊं? श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर अर्जुन की ये दशा होगी तो हमारी क्या दशा होगी? हमें हमेशा इसलिए अपने गुरु की शरण में जाना चाहिए। जो
भगवत गीता 3:13 में कहते हैं, यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्व खेल विषय बुज्यन्ते ते त्वं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। भगवान कहते हैं जो मुझे भोजन अर्पण करके नहीं खाता वो पाप खाता है। भगवान ये नहीं कहते मुझे नए नए पकवान अर्पण करो। भगवान भगवत गीता 9:26 में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपरितम अश्नामि प्रतात्मनः। जो मुझे पत्र पुष्प फल तथा जल हृदय तथा भक्ति से अर्पण करता है वो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ और ये चार चीजें आसानी से सभी जगह में मिल जाती है। तो फ्रेंड्स आप भी अभी से भगवान को भोग लगा कर ही खाइएगा और पापों से मुक्त हो जाइए। हरि बोल। हरे कृष्णा डियर, डू यू नो क्लोथ्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, एम आई राइट? I have 12 beautiful frogs. This frog is my birthday gift. For my next birthday, I won't be able to wear this frog because it may become old. So I will give up this frog and buy a new one. In Bhagavad Gita chapter 2, sloka number 22, it says, Vasam Sijna. खेलने के लिए मैं बहुत परेशान हो गया। तो मेरे पापा आए और मुझसे बोले कि क्यों परेशान हो बेटा। तो मैं कहा उनसे कि मेरा मन मुझे बहुत परेशान कर रहा है, कभी कह रहा है खाने के लिए, कभी कह रहा है खेलने के लिए, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। तो मेरे पापा बोले इसका एक ही उपाय है, वो है भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में 9:34 में कह रहे हैं, मन मना भव मत भक्तो मत्याजि मां नमस्कुरो मामेव यस्यसि युक्तैव आत्मानां मत्परायणः। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपका मन मुझे दे, कैसे भगवान जी का सेवा करके और उनका नाम लेके तो आप खुशी से रह सकते और आपका मन शांत हो जाएगा। दोस्तों जब हम भगवान जी का नाम लेंगे और सेवा करेंगे तो हम खुशी से रह सकते हैं और हमारा मन शांत हो जाएगा। Studying very hard for my exams, but I'm not getting marks. One day I was sitting. My mom came and asked, "What happened?" I told the full story. What had happened? Then my mother told, "Sarvasya chaha amriti sannivishto matta smriti jnanam apohanam sha vedaischa sarvayahameva vidyo vedanta kritveda videva chaham." Krishna is present in everyone's heart as Paramatma. You don't know, he is only remembrance and forgetfulness. My mother told, start worshipping Krishna. I also tried it. I am very happy now. Do you also have the same problem? Start chanting Hare Krishna Mahamantra. Then give your result. Hare Krishna.
Krishna, Krishna.